अब तो यही होगा, यही होगा। अब हम ये पेरिस का बोर्ड छोड़कर कहीं नहीं जा रहे, नहीं हो पाएगा हमसे भाई, ना न्यूयॉर्क ना सिंगापुर, हम बस पेरिस में ही डूबे रहेंगे। क्या बताए, फेयर गेम खेलने का औकात है नहीं। चले हम फेयर गेम खेलने, मानो कुछ ऐसा हो कि जैसे हम स्प्लेंडर लेके निकले पहाड़ों के रास्ते पे, जंगलों पे गुजर रहे हैं स्प्लेंडर लेके, पहाड़ों का चढ़ाई से उतर रहे हैं स्प्लेंडर लेके। अब किंग इज बैक, ये भाई साहब के साथ हमारा मुलाकात हुआ न्यूयॉर्क का टेबल पे। फिर भाई ने पूछा, क्या मैं वो वाला गांडू हूं जो यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करता है? बोला भाई, मैं वही वाला गांडू हूं जो यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करता है और जिसको खेलना नहीं आता। ये वीडियो अपलोड करें? हमने बोला कि हाँ बिल्कुल जरूर करेंगे। भाई ने बोला, हम आपको गेम दे देते हैं। हमने सोचा, अरे यार, माना कि गांडू गरीब है, गांडू के पास ज्यादा कॉइन नहीं होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों से मैं जब मन चाहे मैं कॉइन ले लूं। ताकि अगर आप गेम जीतते हो तो भी हम ये वीडियो अपलोड करेंगे, जैसे कि आप लोग अभी इस वक्त देख रहे हैं। कॉइन नहीं ले सकते, लेकिन हम वीडियो जरूर अपलोड करेंगे। तो किंग भाई, आपका नाम हम नहीं जानते, लेकिन देखिए, हमने अपना वादा पूरा किया है। आपका वीडियो अभी गांडू क्लिप है। तो कैमरा में आपका पीछे आज जो है वो है संकेत भाई। तो ये संकेत भाई हमारा बहुत पुराना हमारे भाई है, जैसे कह सकते हैं कि एक टुकड़ा हो। वैसे जैसे ये रियल बोर्ड बहुत डिफिकल्ट है इन कंपैरिजन टू हमारा कैरम डिक्स पूल, लेकिन कुछ कुछ शॉट रियल बोर्ड पे ऐसे है, बस कुछ शॉट्स ऐसे है जो रियल बोर्ड पे आपको आसान लगेगा और कैरम बोर्ड पे आपको डिफिकल्ट लगेगा। काफी बार हम लोगों को ये वाला रिवर्स लेने पे प्रॉब्लम होता है ना, कि यहाँ पे फाइन होने का पॉसिबिलिटी होता है। अब रियल बोर्ड पे क्या होता है थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, एक रिवर्स मार रहे हैं हम, रिवर्स। के ईगो आई गेमिंग, ये भाई साहब को कैरम पूल का कोई भी लेजेंड का गेम प्ले देख के उनको मजा नहीं आया, जबकि वो लोग बहुत अच्छे खेलते हैं। बस उनको हमारा इस चैनल पे उनको रास आया। और भाई साहब पबजी वाले हैं। अब हमको लगा कि पबजी वाले भी कैरम पूल का अगर वीडियो देखते हैं तो उनका जिक्र थोड़ा उठाना बहुत जरूरी है। तो ये है ईगो आई गेमिंग, उनका एक पबजी चैनल है। और अगर आप लोग कैरम पूल का साथ साथ पबजी खेलते हैं तो देख सकते हैं। तो ये जो तरंग भाई है, तरंग भाई रेगुलरली हमारा वीडियो देखते हैं, और तरंग भाई ने एक रिक्वेस्ट किया कि तरंग भाई का नाम एटलीस्ट हम अपना अगले वीडियो पे ले ले। और बिल्कुल आज आप सभी लोग जान रहे कि तरंग भाई हमारा साथ है, हमारा वीडियो बिल्कुल शुरू से देख रहे हैं। और तरंग भाई का एक यूट्यूब चैनल भी है, तरंग सेट गेमिंग। गांडू आप सबका साथ है, आप लोग जो लोग कैरम पूल खेल रहे हैं, आप लोग जो लोग कैरम पूल का वीडियो अपलोड करते हैं, चाहे वो फेसबुक पे हो चाहे वो यूट्यूब पे हो, गांडू आप सबका साथ है, क्योंकि आपका वजह से ही गांडू है। आप नहीं हो तो गांडू नहीं है। ये एक स्ट्राइकर हो गया हमारा। वैसे ये जो है ये फाइबर का है, नॉर्मल प्लास्टिक वाला स्ट्राइकर है। और ये हो गया अपना आइवोरी वाला स्ट्राइकर, ये आइवोरी स्ट्राइकर है। ये आप लोग कमेंट पे बताइएगा कौन सा स्ट्राइकर का कितना प्राइस हो सकता है। वैसे कोई भी महंगा स्ट्राइकर नहीं है ये सब। कैरम पूल पे
ओपोनेंट का फ्रेम पे जब हमारा कॉइन चिपक जाता है, वो चिपका हुआ कॉइन निकालना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि रियल बोर्ड पे हम लोग चिपका हुआ कॉइन को कैसे निकाल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारे कैरम पूल पे और एक चीज़ डिफिकल्ट होता है, वो होता है कनेक्शन शॉट। ये कनेक्शन शॉट मारना बहुत डिफिकल्ट होता है हमेशा। तो अभी हम देखेंगे कि हम रियल बोर्ड पे कनेक्शन शॉट कैसे बनाते हैं। और रहा बात ब्रश शॉट का, ब्रश शॉट तो भाई रियल बोर्ड पे बहुत बहुत डिफिकल्ट है, कभी कभी हो जाता है। तो ये जो शॉट है जहाँ पे पक यहाँ पे रहता है और आपको यहाँ पे फ्रेम पे हिट करके वहाँ पे पॉकेट करना पड़ता है, तो ये वाला जो शॉट है ये तो आप लोगों का बहुत फेवरेट शॉट है। तो उसके लिए हमको थोड़ा सा पोजीशन लेना पड़ता है। देखिए हमारा भाई क्या कह रहे हैं, लुलु बॉक्स जो कही गई न मुझसे, जो कही गई न मुझसे, वो जमाना कह रहा है, वो जमाना कह रहा है कि फसाना, कि फसाना बन गए हैं, कि फसाना बन गए हैं। मेरी बात ठलते ठलते, मेरी बात ठलते ठलते, ये भी कोई मिल गया था, ये भी कोई मिल गया था। सारी रात चलते चलते, सारी रात चलते चलते,